नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको क्रैसुला प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि आप इसकी केयर किस तरीके से कर सकते हैं कि आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करे। दोस्तों, ये प्लांट है क्रैसुला ओवाटा का। इसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे लकी प्लांट, कुबेर प्लांट और भी इसके कई सारे नाम हैं। वैसे दोस्तों, ये प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट होता है और इस प्लांट की थोड़ा सा हमें केयर करनी पड़ती है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीहर में इसके जो भी प्लांट हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ही अच्छे से ये प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि हमें इसकी किस तरीके से देखभाल करनी होती है। तो दोस्तों, अक्सर दिक्कत आती है, जो ये प्लांट होता है वो गर्म जगहों पे मर जाता है। प्लांट थोड़ा दिन तो अच्छे से चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये प्लांट धीरे धीरे गल के अपनी पत्तियां गिरा देता है और ये धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने तीनों प्लांट अपने नीचे निकाल दिए हैं और अब मैं आपको इसकी अच्छे से केयर टिप्स बताऊँगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमें चीज़ है वो है इस प्लांट के लिए पॉट का चुनाव करना, आपको इसे किस तरीके के पॉट पे लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे तो हमने इस प्लांट को लगाया हुआ है प्लास्टिक के पॉट में। प्लास्टिक के पॉट में इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और जिन जगहों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे इसके लिए सबसे बेस्ट पॉट है मिट्टी के पॉट। जो मिट्टी के गमले आते हैं आप उनमें लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। सेरेमिक पॉट पर आप इस प्लांट को कभी ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों जो सेरेमिक पॉट होते हैं उनमें जो पानी होता है वो अच्छे से सूख नहीं पाता और जो प्लांट होता है धीरे धीरे गलने लग जाता है। तो दोस्तों, हमने ये प्लांट जितने भी हैं ये लगाए हुए हैं प्लास्टिक के पॉट में और सबसे जो मेन बात है, इनके जो पॉट के नीचे काफ़ी ज़्यादा हमने बड़े बड़े होल किए हुए हैं। होल करना पॉट में बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कभी एक्स्ट्रा पानी हो जाए तो वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। और दोस्तों, जो दूसरी बात ये है कि जो पॉट का साइज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, जो हमारे ये प्लांट हैं काफ़ी छोटे छोटे पॉट पर लगे हुए हैं, ये मैंने कोई बड़े पॉट पर नहीं लगाए हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो ये दो प्लांट हैं, एक पेंट के डब्बे में लगा है और एक दूसरा खाली बॉटल में, ये 4 साल से ये प्लांट इसी पॉट पे लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस प्लांट को दोस्तों आप जितने छोटे पॉट पे लगाएंगे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर दोस्तों आपका छोटा सा प्लांट है और आपने बिल्कुल बड़े से पॉट पे लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, हो सकता है बड़े पॉट में वो प्लांट धीरे धीरे मर जाए। होता यह है दोस्तों, जब बड़ा पॉट होता है हम जब उसमें पानी डालते हैं तो बड़े पॉट में हम ज़्यादा ही पानी डालते हैं और उसमें पानी भी ज़्यादा आता है। जो पानी होता है वो धीरे धीरे सूखता है और प्लांट की जड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हमेशा पौधे को छोटे पॉट पे लगाएं। और इस पौधे को हमेशा रूट बाउंड पसंद होता है, इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको सनलाइट की कितनी ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप इसे 2 से 2.5 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं सुबह और शाम की। जो दिन की तेज़ धूप आती है उसमें आप इस प्लांट को ना रखें। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखते हैं जो इसकी पत्तियाँ होती हैं किनारे से रेड होकर जलने लगती हैं, इसलिए हमेशा सुबह या शाम की 2 से 2.5 घंटे की धूप ही आप इसे दिखाइए। और दोस्तों, ये प्लांट इंडोर प्लांट नहीं है, आप इसे बिल्कुल इंडोर रखते हैं तो ये प्लांट तभी भी ख़राब हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वाटरिंग की, कि इस प्लांट को कितने पानी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये जो प्लांट होता है ये सक्यूलेंट प्लांट होता है और सक्यूलेंट प्लांट की जो सबसे खास बात ये होती है कि जो इनकी पत्तियां होती हैं इनके अंदर पानी स्टोर रहता है। आप कभी भी सक्यूलेंट कोई भी आपका प्लांट है आप उसकी पत्ती तोड़ के देखिए और उसे दबाइए तो आप देखेंगे उसकी पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर रहता है। देखिए, इसकी पत्तियां अगर हम दबाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है, तो इसलिए समझ जाइए कि इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी कभी कभी दीजिए लेकिन अच्छे से दीजिए। जब आप इसे अच्छे से पानी देते हैं तो ये सारा पानी अपनी पत्तियों में स्टोर करके रख देता है, फिर धीरे धीरे जो पत्तियाँ होती हैं वो पौधे को सारा का सारा पानी पहुँचाते रहती है। और अगर आप बार बार पानी डालते रहेंगे तो जो इसकी नीचे की स्टेम होती है धीरे धीरे गलने लगेंगी, पत्तियाँ सारी नीचे गिर जाएंगी। इसलिए जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए उंगली डाल के आप चेक करिए, मिट्टी अच्छे से सूखी होनी चाहिए तभी आप अपने प्लांट को पानी दीजिए। तीसरी बात हम करेंगे दोस्तों, मिट्टी कैसी बनाएं। दोस्तों, इस प्लांट को बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी ना रुके। आप ले सकते हैं 50% गार्डन की अपनी कोई भी मिट्टी, पुरानी मिट्टी है वो ले लें 50%।
आप उसमें 20% आपके पास रेत है जिसे हम बजरी बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, आप 20% उसे ले सकते हैं। 20% आपको कंपोस्ट लेनी है, आप गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर किचन कंपोस्ट ले सकते हैं। और 10% दोस्तों आप मिला सकते हैं सूखे पत्ते, गमले के सबसे नीचे आप 10% के लगभग सूखे पत्ते डालिए, बहुत अच्छी प्लांट की ग्रोथ होगी। सूखे पत्ते डालने से दोस्तों पॉट का ड्रेनेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए आप 10% सूखे पत्ते इसमें डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसको खाद हम कैसी दें। दोस्तों इस पौधे को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, आप साल में सिर्फ 2 बार भी इसे खाद दे देते हैं तो काफ़ी होती है। आप सूखी 2 बार कोई भी खाद दे दीजिए, फरवरी के मंथ में और अक्टूबर के मंथ में आप एक एक दो दो मुट्ठी वर्मी कम्पोस्ट या फिर गोबर की खाद डाल दें या किचन कम्पोस्ट, अच्छी डिकम्पोस्ट हुई किचन कम्पोस्ट दे दें तो वो काफ़ी होगा। कभी कभी आप इसमें चाय की पत्ती का पानी डाल के लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है तो आप 2 से 3 महीने में एक बार फ्रेश चाय की पत्तियां आप इस प्लांट में दे दीजिए, बहुत अच्छे से इस प्लांट की ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रोपोगेशन की, कि इसकी प्रोपोगेशन हम किस तरीके से करें। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही अच्छे से प्रोपोगेट हो जाता है, जो इसकी नीचे की पत्तियां होती हैं आप उसे तोड़ के सिंपली ऐसे ही मिट्टी पर रख दें, हल्का सा दबा के इस तरीके से, कुछ टाइम बाद जो पत्तियां होती हैं उसमें से नया प्लांट बन जाता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर थोड़ा दिक्कत आती है, वहाँ पर जो इसकी प्रोपोगेशन होता है वो थोड़ा सा धीमे हो जाता है। जिन जगहों में दोस्तों ठंड रहती है उन जगहों में ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए दोस्तों पत्ती से ही ये प्लांट बना है, ये देखिए इस तरीके से। इसकी स्टेम कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है दोस्तों, 50% सैंड और 50% नॉर्मल मिट्टी में आप उसे लगा दीजिए, वो कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगी। दोस्तों अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें, गर्मियों के दिनों में आप इस पौधे को बिल्कुल इंडोर ना रखें, ऐसी जगहों पर रखें जहाँ सुबह या शाम की 1 से 1.5 घंटे की धूप इन्हें मिल जाए, क्योंकि गर्म जगहों में धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहती है, तो 1 से 1.5 घंटे की धूप काफ़ी रहती है। दिन के टाइम जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े बड़े पॉट होते हैं, उनके बीच में आप इसके पॉट को रख सकते हैं, तो पौधे को वहां पे थोड़ा सा ठंडक मिले। दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने क्रेशुला प्लांट की केयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।